दर्शकों, अब हमारे साथ हैं न्यूलुक सेंट्रल स्कूल के सीबीएसई 12वीं के होनहार छात्र राजद एवं यज्ञराज सिंह। आइए जानते हैं इन्होंने यह सफलता कैसे हासिल करी। राजद, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राजद शाह है। मेरे पिता का नाम संजीव शाह है, वो एक गवर्नमेंट लेक्चरर है। मेरे माता का नाम हेमा शाह है और वो हाउसवाइफ है। मैं पहले सोड भोजापालिया बांसवाड़ा राजस्थान में रहता हूँ। मेरा नाम यज्ञराज सिंह सिसोदिया, मेरे पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह सिसोदिया, माताजी का नाम मीराज कुमार है। मेरे माता पिता दोनों ही गवर्नमेंट टीचर हैं और मैं सदर थाना रोड जहांगीर बांसवाड़ा में रहता हूँ। राजन, आप बताएं, आपने सफलता हासिल करी, आप क्या महसूस करते हैं? आई एम हैप्पी विथ माई रिजल्ट, बट स्टिल अभी मेरे को लगता है कि मैंने ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया है। और मुझे मेरी, जैसे मैंने आज रिजल्ट से मेरे परिवार को खुश किया है, वैसे ही कल मुझे मेरे देश को और परिवार को नाम रोशन करना है। इसलिए मैं आगे और प्रयास करता रहूँगा, पर अभी मैं मेरे 12th के रिजल्ट से काफ़ी खुश हूँ। बहुत अच्छी सोच है राजल आपकी। अब आप हमें यह बताएं कि आपने जो सफलता हासिल करी उसका श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरे सर जिग्नेश सर और न्यूलुक फैमिली को दूंगा, साथ ही मेरे माता पिता जिन्होंने संघर्ष करके मुझे पढ़ाया और हमेशा मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आए और मैं हमेशा खुश रह करके अच्छे से हैप्पी एटमोसफियर में पढ़ता रहूं, उसके लिए कोशिश की। इसलिए मैं इन तीन को ये श्रेय देना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम यज्ञराज से बात करते हैं। यज्ञराज, आपने भी काफ़ी अच्छे अंकों से सीबीएसई 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, आप क्या महसूस करते हैं ये हमारे दर्शकों को बताइए। सभी को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है, तो मेरा सबको यही कहना है कि मेहनत ही आगे ले जाती है और हार्ड वर्क ही करना चाहिए। और नहीं, आपने जो सफलता हासिल करी उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं वो बताइए। मतलब आपको खुशी हुई, नहीं हुई, अभी आगे बढ़ना है? हाँ, मुझे खुशी हुई और इससे भी ज़्यादा कहीं मैं ला सकता था। अगर थोड़ी और अच्छी मेहनत करता तो उससे भी ज़्यादा ला सकता था। और आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगा मैं श्रेय, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद करी थी और हर पल मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। राजल, आप हमें बताइए कि आपने किस तरीके से इस परीक्षा की तैयारियाँ करी थी? कोई चैलेंज या कोई स्ट्रेटजी थी रखी है? कहीं आपको डिप्रेशन जैसा महसूस हो या आपने सिलेबस बनाया मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी, वो हमारे दर्शकों को बताएं। डेफिनेटली डिप्रेशन तो आता ही है, साथ ही जो हम एक सिलेबस बनाते हैं उसे रेगुलरली मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। मैं भी काफ़ी डर जाता था, मैंने कभी पेरेंट्स के सामने तो रोया नहीं, पर मैं मेरे फैकल्टी के पास हर 4 से 5 दिन में रो जाता था कभी कभी। पर बाद में मेरे सर ने मुझे यही कहा कि तू जो अपनी किताबें पढ़ता है उस पर विश्वास रख और एक सिंपल पाथ से चल, तुझे वक्त के बाद सक्सेस मिल जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा किताबें लेना और उस एटमॉस्फेयर में मत पढ़िए, बल्कि एक मिनिमम मटेरियल और मैक्सिमम रिवीजन के फॉर्मूले पे बेस्ड रहिए। जितना आप रिवीजन करोगे और कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे, उतना ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी और आप भी आपकी पढ़ाई के साथ खुश होगे एंड ये एक रास्ता बहुत ही अच्छा सा खुल जाएगा आपके लिए। यज्ञराज, आप हमें बताएं कि आपने तो 12वीं की कक्षा में परीक्षा पास कर ली, अब इस वर्ष तो जिन लोगों ने 12वीं में एडमिशन लिया है वे अगले वर्ष सीबीएसई की परीक्षा देंगे, आप उन बच्चों के लिए कोई संदेश दें कि वे अपनी तैयारी जिस तरह आपने सफलता हासिल करी वो भी कर पाएं? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि 100% आना जरूरी नहीं है। अगर हमें 80% भी आता है तो हम 100% आउटपुट दे सकते हैं और वो हार्ड वर्क से आता है और हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्पेशली केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें हमें रिएक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के साथ साथ डेरिवेशन और कुछ डेफिनेशन पे भी ध्यान देना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और बायो में हमें किस तरह की प्रोसेस हो रही है और क्या कुछ चैप्टर्स में हमें डेफिनेशन याद करनी पड़ रही, कहीं एग्जाम्पल्स वो पूछे जा रहे हैं, तो उधर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अच्छे अंक उधर से हमें प्राप्त हो सकते हैं। राजल, इस बारे में आपका क्या कहना है? हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त ज़्यादा शार्प होता है, तो जब मेरे साथ ये होता था तो मेरे सर यही कहते थे कि एक दिन तुझे रियलाइज़ होगा कि हार्ड वर्क बीट्स स्मार्ट वर्क। तो बस हार्ड वर्क करते जाइए, डिप्रेस नहीं होइए और एक मतलब अपने सिलेबस को मेंटेन कर जितना हो सके करते जाइए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने।